मेरा नाम है गोली, कोई ना बोली नहीं तो खिला दूंगा फिनाइल की गोली, फिर चिल्लाओगे ओली ओली मोली मोली, हो जाएगा पेट खोली, इसलिए कोई ना बोली मेरा नाम है गोली। तो आप लोग चुप रहिएगा, नहीं तो एक गोली जो है ना हमें फिनाइल की गोली खिला देगा। तो हेलो एवरीवन, आप लोग दिख रहे हैं फोटोबस भाई, यहाँ पे हमारे पास हैं नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। और आज के स्टोरी में हम लोग क्या करने वाले हैं आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल से। फिर बता दो, यहाँ पे मैं इन्हें मेल्ट करूँगा और उसके बाद इससे अपना फेस या फिर कोई और चीज़ को बनाने की कोशिश करूँगा, कास्ट करने की कोशिश करूँगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और काफ़ी ख़तरनाक भी, क्योंकि ये एक केमिकल है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कभी भी इसे स्मेल ना करिए, छुइए तो हाथ धोइए, और अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हो सके तो मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये हमारे सांस के द्वारा अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्ले तैयार करना होगा जिसमें मैं अपने फेस को घुसा के उसमें अपने फेस का आकार बनाऊंगा, सांचा बनाऊंगा, फिर उसमें इस मेल्ट हुई नेप्थलीन बॉल को डालूंगा, उसके लिक्विड को डालूंगा और फिर देखूँ कैसा आकार बन के आता है। तो चलो बनाते हैं क्या क्ले या फिर सांचा। तो यहाँ पे मैंने क्ले का जुगाड़ कर लिया है, अभी मुझे इसमें फेस का आकार बनाना है, सिंपली इसके अंदर अपना मुंह घुसा देना है और देखते हैं कि क्या आकार बनता है या नहीं। तो 3, 2, 1। तो सर पिछली बार वाला सांचा गड़बड़ा गया, आपकी बार पौवा भर, हाँ मतलब बहुत सारी क्रीम लगा के, अब थोड़ा मे भी सही बने। तो 3, 2, 1 और गपाक। तो भाई यहाँ पे एकदम अजीबोगरीब सांचा बनके तैयार है जो कि एकदम भूतिया लग रहा है। तो अब इसे मेल्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा फेस बनके निकल के आता है। मुझे तो लग रहा है बहुत ही वियर्ड बनके आएगा, कि हम देखने में पता नहीं कैसा होगा। तो ये रहे नेप्थलीन बॉल्स और इनको हम लोग इंडक्शन में मेल्ट करेंगे बहुत ही धीरे धीरे। इंडक्शन में इसलिए क्योंकि इसमें आग लगने का खतरा होता है बहुत ज़्यादा, तो इंडक्शन में आग नहीं निकलती है, तो यहाँ पे बिना आग लगे धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी। और इसे ढक दूंगा इस कांच के ढक्कन से और यहाँ पे बिल्कुल भी सांस इसके आसपास नहीं लेना है, क्योंकि भाई सच में ये सांस के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म है, अभी देखना ये देखो मेल्ट हो रही है या नहीं। ये देखो ये मेल्ट होना चालू हो गई हमारी नेप्थलीन बॉल, कुछ इस तरीके से सारी मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये भी गई और मैं बाकी की सारी भी डाल देता हूँ। ओके, ये अब इसे मैं ढक देता हूँ ऐसे और यहाँ से भाग लेता हूँ। भाई ये सांचा सच में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, जैसे कि किसी बंदर, एक मिनट मैं अपने को बंदर क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन बहुत अजीब सा है, पता नहीं क्या यार। देखो 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 देखो। तो भाई यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारे नेप्थलीन बॉल मेल्ट हो गए हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्रिस्टल दिख रहे होंगे इस ढक्कन के सरफेस पे, जो कि सांस के जरिए अंदर जा सकते थे, इसलिए इसे मैंने बंद किया है कि कहीं पे भी बाहर ना जाएं। और मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ फटाक से। ये देखो किस तरीके से पानी जैसे कन्वर्ट हो गया, और भाई ये देखो इसकी छत, ये देखो किस तरीके से अजीब टाइप के क्रिस्टल यहाँ पे बने जा रहे हैं। चलो इसे वापस से ढक देता हूँ। तो फाइनली ये देखो सारा नेप्थलीन पिघल गया है और यहाँ पे एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया। भाई बहुत ज़्यादा स्मेल है, जल्दी से इसे अपने सांचे में डालते हैं कोने में चल के। तो चलो इसके अंदर डालते हैं पिघला हुआ नेप्थलीन बॉल का लिक्विड, और मास्क बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल भी अंदर जाना नहीं चाहिए। चलो बनाते हैं।
बहुत ही सावधानी से यहाँ पे काम करना होगा। ये बिल्कुल पानी जैसा ही हो गया है अभी, आराम से। ओके, अरे 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 भाई, इसको ध्यान तो देखो, यहाँ पे एक अजीब सा 3D फेस जैसा कुछ बन रहा है। ये पता नहीं कितना अजीब, पता नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको एक फेस दिख रहा होगा। अबे यार, इसे कैसे हो रहा है, एकदम भूतिया 3D फेस। तो ये देखो, सूखना चालू हो गया है, जमना चालू हो गया है। और मैं आपको क्यों बोल रहा था कि सांस लेना मना है, मास्क लगाना जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि ये केमिकल भाप से भी उड़ता है और हमारी नाक में जाके इकट्ठा हो जाएगा, शरीर के अंदर चला जाएगा। आप लोग खुद देख लो, इसकी भाप जब इस प्लेट पे इकट्ठा हुई, ढक्कन पे इकट्ठा हुई, तो यहाँ पे क्रिस्टल जम गए हैं एकदम कांच जैसे। और कितना वियर्ड, कितना अजीब सा जमा है ये देखो। और ये भी जमना चालू हो गया। चलो इस बचे हुए से भी कुछ बनाते हैं। और यहाँ पे इसकी क्रिस्टल तो देखो यार, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इसकी भाप के जरिए, तो बिल्कुल भी सांस के अंदर नहीं जाना चाहिए। धूप में तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। और हाँ, जो मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ वो इस कैमरे में, इस मोबाइल स्क्रीन में नहीं दिख पा रहा होगा, ये मैं आपको बताऊँगी। असलियत में ये और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। दोस्तों, इस चीज़ को मैंने अपने पुराने फ्रिज में रख दिया ताकि जल्दी से ये सूख जाए, ठंडा हो जाए, जम जाए। और इसके अलावा मैंने रिंच और हथौड़ी का भी सांचा बनाया है, इसमें भी बचा हुआ लिक्विड नैप्थलीन भर देते हैं। तो एक चम्मच फिनाइल नैप्थलीन ये गया इसके अंदर, ऐसे ही बाकी सब भी फिल कर देना है। तो मैंने ये सारे भी फिल कर दिए हैं, अब एक घंटे के लिए सब कुछ छोड़ देना है, फिर आके देखते हैं कितना जमा है, कैसे जमे हैं। तो मुझे लगता है अब हमारे नैप्थलीन बॉल के औजार बन के तैयार हैं। इन्हें आराम से यहाँ से मैं निकालने की कोशिश करता हूँ मिट्टी से। ओ माय गॉड, टूट गया यार, अबे यार, अब तो और भी सावधानी से निकालना होगा, बहुत सावधानी से। तो ये है फिनैप्थलीन की गोलियाँ और ये हैं उनसे बने औजार। सच में काफ़ी डिटेलिंग के साथ बने, देखो आप लोग, मतलब डिटेलिंग देखो, यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन देखो रिंच का, कितनी सफाई से बना है। हालांकि टूट गया है क्योंकि इतना मजबूत नहीं होता है, मोम की तरह होता है, लेकिन फिर भी डिटेलिंग देखो कितनी ज़बरदस्त आई है। और ये वाला पाना रिंच जो भी बोलते हैं, कितनी सफाई से बना है, यहाँ पे तो नाम तक का आ गया है, जो कि हमने बनाए हैं नैप्थलीन बॉल से। तो इनके लिए एक लाइक तो बनता है, फटाक से अभी से लाइक करो। अभी हम लोग देखने वाले हैं फेस। तो ये गया है जम, आई थिंक इसे निकाल दो, बहुत भारी है। अबे यार, ये देखो नैप्थलीन जब बाहर था तो किस तरीके से यहाँ पे सब बन गया है, और यहाँ पे क्रिस्टल देखो किस तरीके से जम गए हैं। चलो अपना फेस निकालते हैं इसमें से। दोस्तों, इसे बहुत ही सावधानी से निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ आपकी बार फेस ना टूट पाए, ताकि हम लोग देख पाए कि भाई आखिरकार ये जमा कैसा है। भाई नैप्थलीन बॉल का फेस बन के तैयार है, हंसना नहीं भाई, बहुत ज्यादा अजीब बन के आया है। ए भगवान, आए दैया, ये मेरा फेस नहीं है, ये भूत है भाई, भूत दिखाता हूँ। तो भाई ये रहा फेस जो कि हमने बनाया है नैप्थलीन बॉल का यूज करके। और भाई बहुत ज्यादा वियर्ड आया है, देखो तो जरा एक बार, कितना ज्यादा वियर्ड आया है यार, एकदम भूत लग रहा है। जो हम लोगों ने वो एक कौन सी अक्षय कुमार की पिक्चर नहीं देखी थी, शायद रोबोट 2, उसमें ही ऐसा कुछ फेस था, और बिल्कुल वैसा ही फेस ये लग रहा है। वैसा लग रहा है ना, कमेंट करके बताओ। इसमें लग रहा है कि नाक चढ़ाई गई हो एकदम, देखो कितनी अजीब सी नाक आई है ये देखो।
बिल्कुल भूत ही लग रहा है यार, हे भगवान। तो भाई इस बियर्ड से फेस के लिए एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बनता है, फटाक से इतना करो। बहुत मेहनत लगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो में ये नेपथुलीन बॉल से बना फेस ही। टन टन।